बॉम्ब का एक्सप्लोजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बॉम्ब का एक्सप्लोजन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉम्ब अचानक से रखे रखे फट गया। बॉम्ब वॉज इनिशियली एट रेस्ट, बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे था। जी क्वेश्चन है, बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे था, बॉम्ब का एक्सप्लोजन। बॉम्ब इनिशियली किस पे था? रेस्ट। पहले तो ये बताओ, बॉम्ब का कुछ भी मास हो रेस्ट पे था तो बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम जीरो था। बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम जीरो था, ये बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब बॉम्ब टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन कैसी इवेंट है? ऐसे तो है नहीं बॉम्ब को पकड़ पकड़ के ऐसे दे मारा है, बॉम्ब तो इंटरनल केमिकल रिएक्शन से टूटा है। तो बॉम्ब जो इंटरनल केमिकल रिएक्शन से टूटा है तो इंटरनल इवेंट है, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे, टुकड़े होंगे, वो एक दूसरे पे धक्का लगा के टूटे हुए, ऐसे ऐसे। तो आपस में टुकड़ों ने धक्का लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, बट बाहर से तो कुछ नहीं लगा ना। तो अगर इंटरनल फोर्सेस से ड्रिवन कोई इवेंट होती है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है। बॉम्ब के एक्सप्लोजन के दौरान भी ऐसे ही है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हैं, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, बॉम्ब रेस्ट पे था, एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने के बाद फ्रेगमेंट्स में, कुछ फ्रेगमेंट्स की मास और वेलोसिटी आपको दी है, तो जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट है, एक किसी फ्रेगमेंट की आपको वेलोसिटी नहीं पता है, वो बतानी है। ठीक, तो पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि बॉम्ब जब रेस्ट पे था तो मोमेंटम जीरो था, तो टकराने के बाद कोई बाहर से फोर्स नहीं है तो मोमेंटम अभी भी जीरो ही रहेगा। अब तुम बोलोगे नहीं, अभी तो फ्रेगमेंट आपने बोला चल रहे हैं, फ्रेगमेंट चलेंगे, लेकिन मान लो जैसे ये बॉम्ब था, दो टुकड़ों में टूटा, एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट अगर प्लस एक्स में गया तो पक्की बात है दूसरा टुकड़ा माइनस एक्स में जाएगा, जिससे पहले भी मोमेंटम टोटल जीरो था, अभी भी मोमेंटम टोटल जीरो रहे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, भाई बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन। मान लो बॉम्ब तीन टुकड़ों में टूटे, तीन, दो तीन चार पांच, कितने भी टूट सकता, दो हैं तो इक्वल एंड अपोजिट ही जाएंगे, दो हैं, बॉम्ब दो टुकड़ों में टूटा, एक इधर तो एक इधर, या बॉम्ब दो टुकड़ों में टूटा, एक ऊपर तो एक नीचे, बॉम्ब दो टुकड़ों में एक इधर गया तो एक इधर जाए, इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा उनका मोमेंटम। ठीक, तो दो टुकड़ों वाला क्वेश्चन अगर होता, ये बॉम्ब दो टुकड़ों में टूटता, तो अगर M1 वाला V1 से इधर जाता तो M2 वाला पक्की बात है V2 से इधर जाता। बॉम्ब पहले रेस्ट में था तो मोमेंटम जीरो था, बाद में भी मोमेंटम जीरो बनाए रखने के लिए दोनों टुकड़े इस तरह से चलते जिसे टोटल मोमेंटम अभी भी जीरो बना रहे। तीन तीन टुकड़ों में टूटा बॉम्ब, तीन टुकड़ों में टूटा, एक इधर गया, एक इधर गया, थोड़ी जगह बना देते हैं, तीन टुकड़ों में टूटा, एक एक्स में गया, एक वाई में गया। ये फेमस क्वेश्चन है, आकाश के, एलन के, फिटजी रेजोनेंस, सबके मॉड्यूल्स में है, बॉम्ब तीन टुकड़ों में टूटा। तो ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, तो अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस और नीट में भी पूछ सकते हैं। बॉम्ब के तीन टुकड़ों में टूटा, एक टुकड़ा M1 मास का x में गया U1 से, एक M2 मास का फ्रेगमेंट U2 से गया वाई में, तो तीसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा? बोर्ड का जो प्लेन है वो XY प्लेन मान लो, तो तीसरा टुकड़ा, पहली बात है जेड में मत बोल देना, जेड में चलने लगेगा, कोई लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं ना, ये एक्स में है, ये वाई में, तो इन सबका जो नेट मोमेंटम है, मैंने बोला बॉम्ब रेस्ट में था तो मोमेंटम जीरो था, बॉम्ब चाहे दो टुकड़ों में टूटे, चाहे तीन टुकड़ों में टूटे, चाहे 100 टुकड़ों में टूटे, है तो इंटरनल फोर्सेस से डिवेंड इवेंट, तो टोटल मोमेंटम तो पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही रहेगा, पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो रहेगा। तो जीरो बनाए रखने के लिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम करना पड़ेगा इन दोनों टुकड़ों का, जो जो एक्स और वाई में, इनका जो वेक्टर सम आएगा वो आएगा समवेयर हेयर, इन दोनों का वेक्टर सम। तो तीसरा वाला जो टुकड़ा होगा, फ्रेगमेंट होगा, पार्ट होगा बॉम्ब का, वो कुछ ऐसे जाएगा M3 V3 मोमेंटम से, जिससे दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट, जिससे तीनों का अगर जोड़ दें, इन दोनों का जोड़ा तो ये आया, अब तीसरा वाले उसके इक्वल एंड अपोजिट चल रहा है, जब तुम तीनों का मोमेंटम जोड़ो तो नेट मोमेंटम जीरो आ जाए, तो तीसरा टुकड़ा बाकी दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट। तो भाई ये दोनों अगर XY प्लेन में है, ये भी XY प्लेन में, आई कैप प्लस जे कैप आया है, तो तीसरा वाला भी तो समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप ही आएगा, मतलब के कैप थोड़ी ना चलेगा, जेड एक्सिस में थोड़ा जाएगा, उसी XY प्लेन में जाएगा, बट रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस पे एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं तो बढ़िया रहेगा, इस पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं,
और मुझे अभी के अभी जितने भी लोग हैं वो आंसर बताओ। ये एक 30 kg का बॉम्ब है, इसके तीन टुकड़े टूटे, एक 10 kg का टुकड़ा इधर गया 60 मीटर पर सेकेंड से एक्स में, एक 10 kg का टुकड़ा इधर गया 40 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट है वो कितनी स्पीड से, रिमेनिंग भी 10 kg का ही होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, उसकी स्पीड और डायरेक्शन मतलब उसकी वेलोसिटी बतानी है। एक 60 है, और एक थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको जो है 80 ले लेता हूँ। 80, एक 60 मीटर पर सेकेंड, एक 80 मीटर पर सेकेंड, रिमेनिंग थर्ड फ्रेगमेंट की स्पीड और डायरेक्शन कमेंट बॉक्स अभी जो चैट बॉक्स है उसी में लिख के बताओ, देखें कितने लोग बता सकते हैं, तो पता चलेगा ना कोई फायदा हुआ कि नहीं बॉम्ब के एक्सप्लोजन के। एक क्वेश्चन बताओ भाई, वेट कर रहा हूं। बॉम्ब का एक्सप्लोजन, इंटरनल फोर्सेस, मोमेंटम कंजर्वेशन, बॉम्ब रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तीन टुकड़ों में टूटे चाहे कितने भी टुकड़ों में टूटे अभी भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो देखो इस टुकड़े का मोमेंटम 10 × 60 आई कैप, इसका कितना 10 × 80 जे कैप। तो देखो इसका और इसका, इसका हो गया 600, 10 × 60 600 आई कैप, इसका 800 जे कैप, इन दोनों का नेट मोमेंटम ये आएगा 600 आई कैप प्लस 800 जे कैप, लॉ ऑफ पैलोग्राम। तो तीसरा वाला इसके इक्वल एंड अपोजिट जाना चाहिए, मान लो 10 × V से गया, 10 तो उसका भी मास है, तीनों का नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो इक्वेशन बनेगी 10 V वेक्टर प्लस 600 आई कैप प्लस 800 जे कैप इज इक्वल टू जीरो। तो 10 V इज इक्वल टू -600 आई कैप -800 जे कैप, 10 से काट दो, 10 से कैंसिल कर दो दोनों साइड, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू -60 आई कैप -80 जे कैप। अब ये जो -60 आई कैप -80 जे कैप है क्या बता रहा है, माइनस आई कैप इसको बोलते हैं, माइनस जे कैप इसको बोलते हैं, यानी कि इधर के थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी थर्ड टुकड़े की थर्ड पार्ट की, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अंडर रूट 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर 100 स्क्वायर, अंडर रूट ले लो कि 100। तीसरा टुकड़ा 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड होगी डायरेक्शन ये वाला एंगल 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स, वाई 80 एक्स 60, 80 अपॉन 60 8 अपॉन 6 4/3, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 4/3 का एंगल यहां से बनाते हुए माइनस एक्स से बनाते हुए 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा थर्ड फ्रेगमेंट। ये था क्वेश्चन, और इसकी स्पीड और डायरेक्शन निकालना अक्सर आपको जेई और नीट के क्वेश्चन में पूछ सकते हो, और ये मॉड्यूल्स में दिए रहता है क्वेश्चन।